Hello, my dear students of class 8 of ICSE. Welcome to Imavate Academy. So, let us continue with lecture number 5 of the first chapter of physics of class 8, which is matter. We have already done 4 lectures of this particular chapter. Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3, and Lecture 4. And today we will be starting with the 5th lecture, Lecture number 5 of this chapter. राइट सो आई होप यू पीपल है द लिस्ट सेक्शन एंड सर्च फॉरिस्ट द लिस्ट इज क्लास एट फिजिक्स चैप्टर वन मैटर ऑल्टरनेटिवलीन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस प्लेलिस्ट प्रीवियस फोर लेक्चर्स को देखने के बाद ही ये लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करना ठीक है गेट रेडी विथ योर नोटबुक वी विल डिस्कसिंग टूडे और जैसे कि मैंने प्रीवियस में यू हैव टू टेक डाउन शुड बी इन योर नोटबुक ओके दीज नोट्स वुड हेल्प यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन दीज आर होल सम नोट यू डोंट है okay. you okay, से पढ़ना इसमें ही सारे टाइप के क्वेश्चन हर तरह का Concepts हम डिस्कस करेंगे इनी में सो यू यू नॉट मिस एनी ऑफ़ लेक्चर्स शुड प्रेस बेल आइकॉन ताकि जब भी एक वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पर आ जाए वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम कोर्स फॉर केमिस्ट्री एज वेल केमिस्ट्री का भी जो चैप्टर है इसी चैनल पर अपलोड होना शुरू हो गया है, हो गया है. Well. So के लिए जो है उसको भी चेक करना केमिस्ट्री का भी फॉलो करना ठीक है तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट topics सी we आर द discussing today एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग by molecular मॉडल मेल्टिंग क्या होता है वो हम लोग सब जानते हैं प्रीवियस lectures में हमने डिस्कस भी किया था द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ओके टू इट्स लिक्विड स्टेट by absorption ऑफ हीट एट अ constant temperature इज नोन एज मेल्टिंग तो हम उसी मेल्टिंग को आज अंडरस्टैंड करेंगे यूजिंग molecular मॉडल जिसे काइनेटिक मॉडल भी बोलते हैं ठीक है देन वॉट यूकस वी विल डिस्कस दिस टॉपिक वेपराइजेशन जिसको बॉयलिंग बोलते हैं बहुत सिम्पल टॉपिक है क्या चीज होता है यहाँ पर वो हम देखेंगे किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है इनफैक्ट यू नो इट बट वी विल स्टडी इट उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे वेर यू विल सी वी विल अंडरस्टैंड दैट येस बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तुम्हें याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स का हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन को देखकर कि मेल्टिंग एट अ टेम्परेचर कोई भी स्टेट का चेंज हो दैट एट अ दैटेंट टेम्परेचर फ्रीजिंग का भी हमने डिस्कस किया था कि इट है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑल राइट तो आज हम वही उसी बात को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर बॉइलिंग विच इज ऑल्सो अ स्टेट चेंज सो बॉइलिंग मस्ट ऑल्सो टेक प्लेस एट अस्टेंट टेम्परेचर सो वी विल डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट

फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर एवेपोरेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब टॉपिक्स से हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो राइट तो आज हमारा कंडेंसेशन तक हम पढ़ने वाले हैं सो लेट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट एस स्टार्ट दिस टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाई मॉलिकुलर मॉडल एग्जाम में आता है ये ओके दे कैन आस्क यू टू एक्सप्लेन मेल्टिंग बाय मॉलिक्यूलर मॉडल तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ओनली देन यू हैव यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन Okay, so let us see in a solid, the molecules are closely packed. that is, they have less intermolecular spacing.' It's a very simple thing. we know that in solid, what happens? the molecules are very, very closely packed. they have negligible intermolecular spaces. Both come intermolecular spaces hota hai, closely packed. Hota hai. The molecules only vibrate about their mean positions. this also we have discussed solids make outta, the molecules they do not leave their positions.

अपने जगह को छोड़ नहीं रहा है मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट लीविंग देयर पोजीशंस सो काइनेटिक एनर्जी इन देयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस राइट दे हैव स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम ये भी हम जानते हैं सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है अब यहां तक जो बातें हैं ये सारी बातें बस वो उन बातों को हमने लिखा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था विद रिस्पेक्ट ऑफ ओके विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड

वो इंक्रीज करने लगा अब कैनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा उन मॉलिक्यूल्स में द कानेटिक एनर्जी वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग और कैनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब मोशन बढ़ना का एनर्जी का बढ़ना मतलब मोशन बढ़ जाना बिकॉज कैनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाई वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इफ कानेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग इट मीन द मोशन विल इंक्रीज इसीलिए क्या लिखा हुआ है द कानेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजे ड्यू टू विच द बिगिन टू वाइब्रेट मोर वायलेंटली At a particular temperature, which is known as melting point, the molecules acquire sufficient kinetic energy to become far separated from each other by overcoming the forces of attraction between them. देखो कितना interesting चीज़ है कि ये molecules vibrate करना चालू किए और absorb से vibrate करना चालू कर दिया because हमने heat दिया इसको तो heat देने की वजह से इन molecules में जो vibration था वो vibration increase हो गया ज्यादा जोर से वाइब्रेट कर रहा है और फिर हमने कंटीन्यूअसली हीट हम देते गए तो वाइब्रेशन इंक्रीज होता गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इनमें काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा हो जाएगा दे विल अक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा विच विल मेक द मॉलिक्यूल्स यू नो गोसेप्ट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से जो चिपका हुआ था ना तो वो चिपका हुआ क्यों था बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगा काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी विल यू नो मेक मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर से लिखा हुआ है दीज मॉलिक्यूल्स विल अक्वायर सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी टू बिकम फार सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से अब दूर चला जाएगा अब जैसा लिक्विड्स में होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस काफी दूर दूर होता है वैसा परिस्थिति आ जाएगा इतना ज्यादा कैनेटिक एनर्जी हमने दे दिया कि दैट कैनेटिक एनर्जी यू नो दैट वॉज सफिश टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को उससे ज्यादा हो गया एनर्जी ओके एंड दैट कैनेटिक एनर्जी हेल्प द मॉलिक्यूल्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर

हमने एक्सप्लेनेशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सपेरिमेंट से तो जब मेल्टिंग होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है चेंज नहीं होता है तो वो जो हीट हम दे रहे हैं द हीट दीट नॉट चेंज द टेम्परेचर हम जब मेल्ट कर रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं राइट वेन वी आर मेल्टिंग अ सॉलिड वी आर मेल्टिंग इट वी आर गिविंग हीट टू इट तो वेर इज दैट हीट बींग यूटिलाईड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ़ दबस्टेंस नो वी नो दैट ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट लेकिन हम तो हीट दे रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक याद है तुम्हें ये टॉपिक स्पेसिफिक लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन हमने डिस्कस किया था ना स्पेसिफिक लेट एंड हीट तो स्पेसिफिक लेट एंड हीट के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि दिस हीट इज लेट एंड मतलब हिडन बिकॉज दिस हीट डज नॉट शो अप इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर रादर इट इज इन डूइंग वर्क अगेंस्ट attraction इन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स तो ये जो हीट हम यहां दे रहे हैं जिस हीट के वजह से मेल्टिंग हो रहा है वो हीट टेम्परेचर को चेंज नहीं करता टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को इंक्रीज नहीं करता है, के बीच में जो है जिसके वजह से मोलिक्यूल्स चिपके हुए एक दूसरे के साथ लेकिन हमने अभी सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट देकर इन फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन को ओवरकम करने से क्या हुआ कि मोलिक्यूल्स दूर चले गए एक दूसरे से दूर चले गए मतलब कि वो लिक्विड स्टेट में आ गए राइट सो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो वर्क करने के लिए वो एनर्जी कहां से मिलेगा वो एनर्जी मिलेगा ये जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी से दैट इज बीइंग रिटर्न दैट दैट हीट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट अट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग द सेपरेशन और उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो हमने वर्क किया ओवरकम किया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जिसके वजह से क्या हुआ इंक्रीज इन सेपरेशन सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो गया था मोलिक्यूल्स कॉट सेपरेटेड दैट इज दैर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एक दूसरे से दूर चले जाना सेपरेशन हो जाना मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाना इसीलिए वो दूर चले गए पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाना एज द इंटर मोलिकुलर विल इंक्रीज इट मीन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ओके सो वही चीज यहां लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिकोटेंशियल एनर्जी यही बात है काइनेटिक मॉडल बोलो चाहे मॉलिक्यूलर मॉडल बोलो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव एक्सप्लेन मेल्टिंग तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन बेसिक कीवर्ड्स तुम्हें मिस नहीं होना है तो सबसे पहला तुम्हें पैराग्राफ में क्या लिखना है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है क्लोजली पैक्ड होते हैं लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस स्पेसिस होता है एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देर मीन पोजिशन लिटिल कैनेटिक एनर्जी होता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन होता है उसके बाद तुम्हें लिखना है कि जब हम उसे हीट करते हैं The kinetic energy of the molecules increases due to which they begin to vibrate more violently. And at a particular temperature, kya hota hai? the molecules acquire sufficient energy to overcome the forces of attraction between them. As a result, they become free to move within the substance. That is, they become in liquid state. Or state mein kya hota hai? the heat energy absorbed by the substance does not change the temperature of the substance. Fir, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो कहां यूज होता है वो हीट वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय इन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस कितना सिंपल है कितना सिंपल है सारी बातों को समझ लिया तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कितना सिंपल है इज इट वेरी हार्ड नॉट एट ऑल ठीक है तो मुझे उम्मीद है मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं जहां तुम्हें वीडियो को पॉज करने की जरूरत है वहां पॉज करके

तब ये लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा क्योंकि जो, जो हालांकि लेकिन बात यहां पर बॉइलिंग के लिए भी वैलिड है अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपराइजेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल वहां पर भी ये बात देखना कि वो जो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है क्या कर रहा है वो हीट मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने के लिए हेल्प हेल्पिलाइज uh, हो रहा है मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वो हीट यूज अप यूज हो रहा है ठीक है तो बात बिल्कुल सिमिलर है जो मेल्टिंग में था वेपराइजेशन में भी वही चीज होने वाला है वी विल बी सीइंग दैट ओके सो एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं द चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैशेस और वेपर स्टेट ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर बाय एब्सॉर्बन ऑफ हीट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग

हीट द बीकर ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वॉटर एवरी मिनट हर एक मिनट के बाद आफ्टर एवरी मिनट वी विल रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर तो शुरू में तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इज इंक्रीजिंग क्योंकि हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये जो हीट है दिस हीट इज बींग यूटिलाईज इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर

नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वॉटर राइजेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा टिल द वॉटर स्टार्ट बॉयलिंग एक समय आएगा जब वो बॉइल करना स्टार्ट हुआ और वो कौन सा टेम्परेचर है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इनफैक्ट यू हैव टू लर्न दिस टेम्परेचर दिस इज द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इसको एग्जाम में पूछा जाता है वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रेन नोट दिस डाउन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस नॉट हंड्रेड डिग्री फेरन हाइट बिल्कुल हंड्रेड डिग्री फेरनहाइट लिखोगे गलत हंड्रेड कैलविन लिखोगे गलत हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये होता है वो टेम्परेचर जब वाटर बॉइल करता है बॉयल करता है मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज होता है तुम्हें याद होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में जस्ट टू रिमाइंड यू लेट मी आल्सो टेल यू दिस तुम्हें ये याद होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज किस पॉइंट टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करता है दैट इज ऑल्सो जीरो डिग्री सेल्सियस इनफैक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस ठीक है आइस और वाटर बेसिकली दोनों ही सेम चीज है ना एच टू ओ ही है आइस भी एच टू ओ है वाटर इज ऑल्सो एच टू ओ एच टू इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर तो दोनों सब्सटेंस तो बेसिकली सेम है स्टेट सॉलिड में है तो उसको आइस बोल रहे हैं लिक्विड है तो वाटर बोल रहे हैं तो एच टू ओ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट भी जीरो डिग्री सेल्सियस इनफैक्ट वी इट इन द प्रीवियस लेक्चर कौन से लेक्चर में पढ़ा था देखो यहां पर इस लेक्चर में पढ़ा था यहां पर प्रीवियसली पढ़ा था किसी एक लेक्चर में फॉर अ सब्सटेंस द मेल्टिंग पॉइंट सेम एग्जाम्पल के तौर पर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मेल्टेड वैक्स इज ऑल्सो फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो वैक्स के लिए फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए जीरो डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड आइस का भी जीरो डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट है ना अच्छा एनी anyway, वे चलो अब हम यहां पर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर हम क्या देखेंगे वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग ओके लेट मी इरेज दीज थिंग्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्टार्ट बॉयलिंग अब टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है ये थर्मामीटर 100 डिग्री पहुंच गया इसका मरकरी 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर कर गया फर्दर राइज नहीं हो रहा है फर्दर राइज नहीं होगा राइट एंड इसलिए राइज नहीं होगा क्योंकि यहां पर स्टेट चेंज होना शुरू हो गया वंस दॉटर स्टार्ट बॉइलिंग इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज एनी फर्दर हालांकि थर्मामीटर में जगह है बढ़ने का ऐसा नहीं कि द मर्करी कैनॉट राइज फर्दर ऊपर में ये फर्दर राइज करने का जगह है देर आर रीडिंग्स फॉर फर्दर राइज राइज बट द थर्मामीटर विल नॉट राइज ओनली मीन्स द टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज ओनली बिकॉज मेल्ट बॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस बॉइलिंग चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस एंड वेन एवर एनी चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस द टेम्परेचर विल रिमेन द सेम सो वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज एनी फर्दर ऑल दो हमने इज स्टिल यहां पर भी पढ़ा था मेल्टिंग के केस में भी हम तो ही दे रहे हैं लेकिन वो हीट यहाँ लिखा हुआ था अभी अभी-अभी जो melting के लिए पढ़ा था, डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बट इट इज यूटीलाइज इन डूइंग वर्क अगेंस्ट अट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स यहां पर भी बात वही है कि although the heat is इज given being supplied. Now the bubbles formed through the water are seen. At this temperature, water begins to boil and changes to steam. अब वो steam में change हो रहा है. Steam मतलब gas में change हो रहा है. Thus the boiling point of water is 100 degrees Celsius and it is and this heat is not changing the temperature anymore. It is changing the state. तो so, इसी चीज को मॉलिक्यूलर मॉडल से अब हम कैसे एक्सप्लेन करें अगर तुमने मेल्टिंग का मॉलिकुलर मॉडल का एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ लिया जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाय मॉलिकुलर मॉडल तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपराइजेशन बाय मॉडल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ओनली लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस तो सॉलिड में क्या होता था मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते थे लेकिन लिक्विड की बात की जा रही है क्योंकि वेपराइजेशन में हम करते क्या है लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं so है, जानते हो लिक्विड में बाउंड्री के अंदर ही वो मूव करता है बाउंड्री ऑफ द कंटेनर के अंदर उसके उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं दे एक्सॉट स्मॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लेकिन स्मॉल ओके सॉलिड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है लेकिन फिर भी लो ही है गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं द सॉलिड्स हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज्यादा बट स्टिल दैट इज लो ओनली सो लिक्विड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी

एक समय ऐसा आया कि इन, इसके काइनेटिक एनर्जी इतना इंक्रीज कर गया कि दे ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो भी इंटरमोलिकुलर ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में था उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर ये मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री हो गए दे बिकेम फ्री एंड दे स्टार्टेड टू मूव रैंडमली लाइक नाउ दे इवन केम आउट ऑफ द बाउंड्री अब कोई बाउंड्री भी नहीं है गैसेस के केस में जैसा होता है अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर चले गए हैं क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कैनेटिक एनर्जी आ गया इस हीट के वजह से यही हीट कन्वर्ट हो गया कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कि अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर चले गए जैसे गैसेस में होता है ओके okay, अब ये बात लैंग्वेज को देखो इट इज एक्जैक्टली सेम टाइप ऑफ वर्ड्स सेम टाइप ऑफ सेंटेंस दैट हैव यूज्ड इन केस ऑफ मेल्टिंग प्रीवियस टॉपिक में जो हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाई मॉलिक्युलर मॉडल वहां पर भी बिल्कुल इसी टाइप का लैंग्वेज था द कानेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच द बिगिन टू वाइब्रेट मोर वायलेंटली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट द मॉलिक्यूल्स अक्वायर सफिशियंट एनर्जी टू बिकम फार सेपरेट फ्रॉम इच अदर बाई ओवरकमिंग द फोर्सेज अट्रैक्शन बिटवीन दम तो लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट सेम है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको इस केस में हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे द मॉलिक्यूलिक एनर्जी टू ओवरकम दट्रैक्शन दस अ लिक्विड इन टू वेपर एट अ पर्टिक्यूलर टेम्परेचर बाय एब्जॉर्न ऑफ हीट एनर्जी है ना सिंपल बात है लिक्विड वेपर में चेंज होगा बाई एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और वो हीट कहा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट द हीट डज नॉट चेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब डज नॉट चेंज दी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट इट इज मॉलिक्यूल इन डूइंग वर्क अगेंस्ट दॉली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देखो सुनो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं शुरुआत के दौर जब हम शुरू में इस वाटर को हीट कर रहे थे तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था ऑन देखो यहां लिखा हुआ है ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज तो शुरू में जब हम इसे हीट दे रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था कायनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था ये एक्सपेरिमेंट से भी हमने वही देखा कि शुरू में यू विल नोटिस दैट टेम्परेचर ऑफ द वॉटर राइजेस कंटिन्यूसली जो हीट हम दे रहे हैं इनिशियली टेम्परेचर विल राइज तो टेम्परेचर का राइज टेम्परेचर का राइज मतलब कि कायनेटिक एनर्जी का राइज

हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रीच होने के बाद तो फिर ये हीट कहां जा रहा है वो हीट पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है मतलब ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन है वहां उस वर्क को करने के लिए वो हीट यूटिलाइज हो रहा है यही चीज यहां लिखा हुआ है इफ यू रीड इट केयरफुली द हीट आई एम रीडिंग द लाइन वंस अगेन

तो जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज नहीं होगा तब क्या इंक्रीज होगा इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इस लैंग्वेज को देखो इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा जब स्टेट चेंज होगा यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा आई होप इट इज क्लियर वेरी सिंपल एंड टूडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो एंड वी विल क्लोज दीडियो कंडेन इट इज जस्ट दिट ऑफ

द टेम्परेचर एट विच ये कंडेंसेशन का डेफिनेशन हो गया राइट right? अच्छा अब वो फिक्स्ड टेम्परेचर जब जब जिस टेम्परेचर में कंडेंसेशन होगा उसको क्या बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड विदाउट एनी फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट तो फॉर स्टीम इट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में स्टीम कंडेस टू वॉटर विच इज ऑल्सो एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रिजेक्टिंग हीट तुम अगर ध्यान दो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज ऑल्सो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम विच इज ऑल्सो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी जब मेरे पास वेपर है उसको हम ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करते करते हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो स्टीम है जो वेपर है जो गैस है अब इसी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में वो चेंज हो जाएगा लिक्विड वाटर में और उसका भी टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रहेगा जब कंडेंसेशन हुआ उस केस की बात कर रहे कंडेंसेशन की बात कर रहे तो कंडेंसेशन में सिर्फ स्टेट चेंज हुआ स्टीम टू वाटर लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा 100 डिग्री रहेगा स्टीम भी और 100 डिग्री रहेगा वाटर भी तो ये बहुत ही कम समय के लिए होगा जब स्टीम वाटर में चेंज हो रहा है ओके okay, तो स्टीम वाटर में चेंज होना जब तक स्टीम वाटर में चेंज हो रहा है ये ड्यूरिंग दैट प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वही चीज यहां लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल स्टीम विच इज गैस और पेपर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कंडेंसेस टू वॉटर और लिक्विड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग ऑब्वियसली क्लियर वेरी सिंपल और अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रेन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डू यू नो ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बुक में है में है कंसाइज फिजिक्स में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे साथ साथ हम इवेपोरेशन का टॉपिक बिगिन करेंगे और देखेंगे कि इवेपोरेशन एक ऐसा एक मजेदार चेंज ऑफ स्टेट है जहां पर यू नो इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर इट इज देर नो फिक्स टेम्परेचर फॉर इट तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ दी लेक्चर्स एक के बाद एक लेक्चर्स आ रहे हैं चिल्ड्रेन और तुम्हारा पढ़ाई बहुत ही सिंसियरली इस चैनल पर चल रहा है इफ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स तो तुम खुद रियलाइज कर रहे हो कि हाउ यूजफुल दीज वीडियोज आर तो फॉर दैट यू नीड टू प्रेस द बेल आईकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द लेक्चर्स गॉड ब्लेस यू एंड वी विल मीट वेरी सून विदर टेक केयर